आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाइक या कार का इंश्योरेंस कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइक या कार का इंश्योरेंस करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे policybazaar.com। ये फर्स्ट वाला लिंक को ओपन करेंगे। यहाँ से आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान देख सकते हैं, कार इंश्योरेंस कर सकते हैं, टू व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस कर सकते हैं और यहीं से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए मुझे टू व्हीलर का इंश्योरेंस करना है, तो हम यहाँ टू व्हीलर इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना बाइक नंबर फिल करेंगे और व्यू प्राइजेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका बाइक डिटेल्स को ये खुद से फेच कर लेगा, आपको बस वेट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका बाइक का डिटेल्स के साथ साथ आपका यहाँ इंश्योरेंस का प्लान भी यहाँ आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा आपको। आपके लिए यहाँ 4 इंश्योरेंस प्लान फॉर यू, आपके पास अभी 4 इंश्योरेंस का प्लान है, इसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। चलिए मुझे रिलायंस का इंश्योरेंस करना है, तो यहाँ तीर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे और कंटिन्यू टू नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ नॉमिनी का फुल नेम फिल करेंगे, वो रिलेशन में क्या लगेगा वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे, हस्बैंड है या वाइफ है। चलिए हम वाइफ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ उसका उम्र डाल देंगे और कंटिन्यू टू व्हीकल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ बाइक का कुछ डिटेल्स खुल करके आ जाएगा, आपका बाइक का नंबर आ जाएगा, जैसे कि प्रीवियस पॉलिसी अगर किए हैं आप तो वो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं किए हैं तो ये नहीं आएगा। उसके बाद आपका पॉलिसी कब एक्सपायर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 7 अप्रैल 2024 को, जैसे कि मेरा एक्सपायर हो जाएगा जो अभी हम करेंगे वही वाला। उसके बाद पिछला वाला यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट आपका यहाँ पे आ जाएगा बाइक का। आपका बाइक फाइनेंस या लोन में है तो यहाँ यस आ जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ नो लिखा हुआ आएगा। उसके बाद इन सब को देख लेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये समरी पेज आ जाएगा, यहाँ अपना पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, बाइक का डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला आएंगे, इधर अपना पॉलिसी का डिटेल्स देख लेंगे, कितना पेमेंट लगेगा वो लिखा हुआ यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसमें से किसी एक को अगर आप इंश्योरेंस के तौर पे लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इन सबको छोड़ देंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे एंड सिक्योरली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा, यहाँ आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट किसी से भी कर सकते हैं। चलिए हम UPI से करेंगे, तो यहाँ UPI चूज़ कर लेंगे। चाहे तो आप ये QR कोड जनरेट करके इससे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम नीचे आएंगे, यहाँ पेटीएम से पेमेंट करेंगे तो पेटीएम चूज़ कर लेंगे, यहाँ पेटीएम का UPI ID डालेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पेटीएम ऐप पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन में आपका पेमेंट लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे सक्सेसफुली, तो यहाँ भी आपका पेमेंट हो जाएगा। चलिए पहले हम पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए हम अपना पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुल कर चुके हैं, तो वहाँ भी मेरा रिडायरेक्ट हो गया है और वहाँ भी सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि देखिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन मेरा KYC वैलिडेशन इस पेंडिंग बता रहा है, तो यहाँ मुझे अपना पहले पेन नंबर फिल करना होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा और कंप्लीट EKYC ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर बुकिंग इज़ कन्फर्म, आपका ईमेल आईडी पे आपका ये इंश्योरेंस भेज दिया जाएगा, उसको निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।